हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की जो आगे भर्ती है, एग्जाम है, सॉरी, उस एग्जाम के लिए इंग्लिश की क्लास की बात कर रहे थे अपन ने। हमने एक क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम सेकेंड क्लास पर पहुंचते हैं कुछ और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों, क्लास है इंग्लिश ग्रामर की। क्लास किसकी है? इंग्लिश ग्रामर की। और मैं टीसी नागिया स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस क्लास में। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्लास बनाई उसके बाद नहीं बनाई, तो किसी ना किसी काम से थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट अब आपके एग्जाम तक मैं आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर और वोकैब जो है कराने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने नॉट ओनली बट आल्सो की बात की थी, आज कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर दैट क्लोज की, सॉरी दैट की, दैट एक जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, कंजक्शन की तरह काम करता है। तो मैं आज की इस क्लास में आपको यूज ऑफ दैट बताने वाला हूँ। यूज की बात करेंगे, दैट के जो यूज है ना उसकी बात करेंगे, और दैट की बात करें तो दैट जो होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, और ये एक कंजक्शन की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कंजक्शन की तरह काम करता है। और कंजक्शन किसको कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं संयोजक शब्द को। किसको कहते हैं? संयोजक शब्द, जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं इनको कंजक्शन कहते हैं। यानी कि आडू भाषा में हम कह सकते हैं कि जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो कंजक्शन है, तो दैट भी जोड़ने वाला ही एक शब्द है। जोड़ने वाले शब्द, तो दैट भी जोड़ने वाला ही एक शब्द है। आज की इस क्लास में हम दैट के यूज सीखने वाले हैं, छोटी सी क्लास है, दैट के यूज, ओनली दैट के यूज की बात करेंगे इस क्लास में। तो क्या है दोस्तों दैट के यूज, इस क्लास में हम समझेंगे। सबसे पहला जो इसका दैट का कंसेप्ट वो ये है कि मान लो किसी सेंटेंस की शुरुआत हु से हो, या सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हो, या सेंटेंस की शुरुआत विच से हो, और सेंटेंस जारी रहता है और लास्ट में आता है एक क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब सेंटेंस में हु, व्हाट या विच, जब भी किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करेंगे, क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे, तो बीच में अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये रूल आपको याद रखना है, दैट का ये फर्स्ट रूल है। क्या रूल है? कि सेंटेंस की शुरुआत अगर हु से, व्हाट से, विच से होती है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो सेंटेंस के बीच में दैट का यूज अपन को करना है। कैसे करना है? जैसे अपन सेंटेंस से समझते हैं, सेंटेंस क्या है? जैसे अपन ऐसे कहते हैं कि हु एम आई और हु स्कोल्ड यू, हु एम आई, हु स्कोल्ड यू, ये क्वेश्चन है। हु एम आई, हु स्कोल्ड यू, तुम्हें डांटने वाला मैं कौन होता हूं। मान लो ये कोई एरर का क्वेश्चन है, और ये है सेंटेंस का अपना ए पार्ट, और ये है सेंटेंस का अपना बी पार्ट, और ये है सेंटेंस का अपना सी पार्ट, और यहां पर है नो एरर। तो सेंटेंस में कहां एरर है ये पूछा जाए, तो हमने देखा सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? हु से, और लास्ट में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो बीच में फिर दैट तो दिखाई नहीं दे रहा, बीच में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो दैट के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर होना चाहिए था दैट, बट हो रहा है हु, तो इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, और जिस पार्ट में एरर है वही हमारा आंसर है, तो यहां पर आंसर होगा बी। समझ गए? क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में हु हो या व्हाट हो या विच हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो सेंटेंस के बीच में अपन को दैट कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस व्हाट से, ये तो बात हुई सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ है तब, अगर सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होता है तब, जैसे ये सेंटेंस ऐसे होता कि व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर विच यू Can't understand, which you can't understand, understand, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, और ये सेंटेंस में लास्ट में अपन लिख रहे हैं नो एरर।
अब मान लो ये सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है और ये सेंटेंस का सेकंड पार्ट है और ये सेंटेंस का थर्ड पार्ट है और ये सेंटेंस का फोर्थ पार्ट है। इस सेंटेंस में क्या आ रहा है? सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? व्हाट से। और सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो बीच में क्या आना चाहिए? बीच में आना चाहिए दैट। तो यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों दैट। तो ये होगा व्हाट इज देयर दैट यू कांट अंडरस्टैंड, वहां क्या है जो तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो जिसे तुम समझ नहीं सकते हो। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत फिर व्हाट से हो रही है, और हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो बीच में दैट का यूज किया जाता है। एक विच का और देख लेते हैं। मान लो ये सेंटेंस ऐसे शुरू होता, विच इज योर बुक विच यू लाइक मोस्ट, विच यू लाइक मोस्ट, कौन सी तुम्हारी पुस्तक है जो तुम बेहद पसंद करते हो। इसको इधर लिख रहे हैं अपन, नो एरर। मान लो इस तरह का सेंटेंस है, ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है, और ये सेंटेंस का सी पार्ट है, और ये सेंटेंस का डी पार्ट है। फिर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? विच से। लास्ट में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो बीच में क्या आना चाहिए? बीच में विच नहीं चलेगा, बीच में चलेगा दैट। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है दैट का, कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हु से, व्हाट से या विच से हो और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो आपको सेंटेंस के बीच में अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, कोई कंजक्शन चाहिए, तो वो दैट सी ही हो सकता है, दैट के अलावा नहीं कोई। ठीक है, तो अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं दैट के यूज। दैट के यूज में हमारा ये पहला यूज था। चलिए देखते हैं दूसरा यूज क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम दूसरे यूज की बात करते हैं, तो दैट का यूज नंबर टू। दूसरा यूज ये कहता है कि नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, ये दूसरा रूल याद रखना है आपको, नो प्रीपोजिशन बिफोर, नो प्रीपोजिशन बिफोर दैट। दैट से पहले आपको प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। आपको सेंटेंस में दैट से पहले कभी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। कैसे? इसको हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे अपन कहते हैं द मेडिसिन ऑफ दैट एल्कोहल, एल्कोहल इज अ कंपोनेंट शुड नॉट बी गिवन, शुड नॉट बी गिवन टू द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन। यहां पर है ये, और फिर अपन लिखते हैं नो एरर इस तरह से। ये सेंटेंस का है फर्स्ट पार्ट, ये सेंटेंस का है सेकेंड पार्ट, ये सेंटेंस का है थर्ड पार्ट, और ये सेंटेंस का फोर्थ पार्ट। द मेडिसिन ऑफ दैट एल्कोहल इज कंपोनेंट शुड नॉट बी गिवन टू द चिल्ड्रन, ऐसी दवाइयां जिनमें एल्कोहल हो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो यहां पर हमने देखा है दैट आ रहा है, और दैट से पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, ये अलाउ नहीं है यहाँ पर। ये सेंटेंस में एरर मानी जाएगी, इसलिए इस सेंटेंस के पार्ट में एरर है, और जिस पार्ट में एरर है वही हमारा आंसर है। तो ये रहा दैट का कॉन्सेप्ट नंबर टू। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में द सेम आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में द सेम हो, या सेंटेंस में आ जाए द लिटिल, या फिर सेंटेंस में आ जाए द ओनली, द ओनली, द लिटिल, इसी तरह द फ्यू भी हो सकता है, ये चीजें आपको दिखाई देती हैं, तो फिर आपको सेंटेंस में किसका यूज करना है? दैट का यूज करना है। ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा तीसरा है दैट के संबंध में। इसको भी अपन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अपने कहते हैं मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन थिंक। मनुष्य एकमात्र ऐसा पशु है जो सोच भी सकता है। दोस्तों ये किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सेंटेंस का है ए पार्ट, और ये सेंटेंस का है बी पार्ट, और ये सेंटेंस का है सी पार्ट, और ये सेंटेंस का है डी पार्ट।
अब हमने देखा यहाँ पर सेंटेंस में क्या आ रहा है, द ओनली, तो ओनली आ रहा है तो फिर विच का यूज नहीं किया जा सकता, सेंटेंस में क्या यूज होना चाहिए, दैट। तो मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन थिंक, मनुष्य एकमात्र ऐसा पशु है जो सोच भी सकता है, तो यहाँ पर अपन को विच के बदले दैट का यूज करना चाहिए क्योंकि सेंटेंस में द ओनली आया है। इसी तरह एक दूसरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं अपन, यू आर, क्वेश्चन क्या है, यू आर द सेम, यू आर द सेम बॉय होम आई सा इन द मार्केट, इन द मार्केट, ये कह रहा तुम सेम वही लड़के हो जिसको मैंने मार्केट में देखा था, ये नो एरर है ना। ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये सेंटेंस का है सी पार्ट और ये डी। अब हमने देखा कि सेंटेंस में क्या आ रहा है, द सेम आ रहा है तो फिर हम यहाँ पर होम का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, दैट का। यू आर द सेम बॉय दैट आई सा इन द मार्केट, इस तरह से यहाँ पर दैट आना चाहिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन अपन समझते हैं, द लिटिल मनी, द लिटिल मनी विच आई हैड, विच आई हैड आई स्पेंट ऑन दिस हाउस, जो थोड़ी बहुत मात्रा में मेरे पास पैसा था मैंने इस घर पर खर्च कर दिया। अब ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है, ये सेंटेंस का सी और ये डी। अब हमने देखा सेंटेंस में क्या आ रहा है, द लिटिल आ रहा है, लिटिल आ रहा है तो फिर सेंटेंस में विच का यूज नहीं हो सकता, सेंटेंस में किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा। तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा कंसेप्ट, ये था हमारा सेकंड कंसेप्ट। आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि दैट के क्या क्या यूज हो सकते हैं, दैट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उन क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर फोर और फिफ्थ की भी बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फोर क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर फोर ये है कि दिस जो होता है इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दैट का प्लूरल होता है सेंटेंस में दोज, दैट का प्लूरल दोज होता है और दिस का प्लूरल दीज होता है। बट जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने की बात होती है ना, तो दिस से भी दो सेंटेंस नहीं जुड़ेंगे, दीज से भी नहीं जुड़ेंगे और दोज से भी नहीं जुड़ेंगे। दो सेंटेंस जोड़ने हैं तो फिर वो किससे जुड़ेंगे, दैट से जुड़ेंगे। जैसे कि अपन ये सेंटेंस लिखते हैं कि दीज आर द प्लेयर्स, दीज आर द प्लेयर्स, दीज आर द प्लेयर्स, दोज हैव वॉन द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, ये वो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत चुके हैं, नो एरर, ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस का ए पार्ट है और ये सेंटेंस का बी पार्ट है और ये सेंटेंस का सी पार्ट है और ये सेंटेंस का डी पार्ट है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने के लिए दोज आ रहे हैं, जबकि दोज दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ सकता, यहाँ पर क्या आना चाहिए, दैट, दीज आर द प्लेयर्स दैट हैव वॉन द वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट। तो यहाँ पर दोस्तों किसका यूज होना चाहिए, दैट का होना चाहिए, क्योंकि दोस्त तो दो सेंटेंस को नहीं जोड़ सकता, दिस भी नहीं जोड़ सकता और दैट भी नहीं जोड़ सकता, सॉरी दिस भी नहीं जोड़ सकता, तो जोड़ता कौन है, दैट। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर फोर है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर फाइव की, और कॉन्सेप्ट नंबर फाइव ये है कि अगर एक सेंटेंस में पर्सन प्लस एनिमल होता है, सेंटेंस में एक पर्सन और एक एनिमल दिया गया हो, या सेंटेंस में एक पर्सन और एक थिंग दिया गया हो, तो फिर ऐसे सेंटेंस में हमें दैट का यूज करना चाहिए। यह है कॉन्सेप्ट नंबर लास्ट और कॉन्सेप्ट नंबर फाइव जो कि दैट के लिए होता है। अब यहाँ पर अपने एग्जांपल से इस चीज को समझ लेते हैं। अपन कहते हैं बोथ द राइडर, बोथ द राइडर एंड द होर्स, बोथ द राइडर एंड द होर्स विच
फेल डाउन वर वाउंडेड, दोनों जो घुड़सवार और घोड़ा थे जो गिरे वो दोनों जख्मी हो गए। बोथ द राइडर एंड द हॉर्स विच फेल डाउन वर वाउंडेड। अब देखो यहाँ पर मैं नो एरर नहीं लिख रहा, आप सीधा समझ लें कि यहाँ पर एक राइडर की बात हो रही है, राइडर यानी कि कोई पर्सन की बात हो रही है, घुड़सवार, और यहाँ पर हॉर्स यानी कि कोई एनिमल की बात हो रही है। और अपन को पता है कि एनिमल और पर्सन होता है तो सेंटेंस में किसका यूज होता है, दैट का। तो यहाँ पर आपको विच लिखने की आवश्यकता नहीं है, विच लिखोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना है दैट। ये सी पार्ट में एरर है। इसी तरह एक दूसरे क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। अगर अपन ऐसे कहते हैं कि बोथ द ड्राइवर, बोथ द ड्राइवर एंड द कार, एंड द कार विच यू सा, विच यू सा इन द मार्केट, इन द मार्केट बिलोंग टू मी, बिलोंग टू मी। ये कह रहा है दोनों, जो ड्राइवर और कार तुमने बाजार में देखे थे ना, मतलब एक पर्सन और एक थिंग की बात हो रही है, वो मेरे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विच नहीं आ सकता, यहाँ पर किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा। तो दोस्तों ये थे दैट के यूज आज की, ये एयरफोर्स के लिए क्लास नंबर 2 थी। इससे पहले क्लास हो चुकी है, ये क्लास नंबर 2 थी। तो इसी तरह मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो बताता रहूंगा, जिससे आपको एयरफोर्स के एग्जाम में हेल्प मिलेगी। एयरफोर्स ही क्यों, एनडीए, एसएससी, जो भी आप एग्जाम देते हो, ये सारे कंसेप्ट वहां पर काम आते हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और तब तक नमस्कार। और वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आगे बढ़े।